जैसे भाई कानून के हाथ लंबे होते हैं उसी टाइप से मेरे हाथ भी लंबे हो चुके हैं और कोई इतना भी ऊपर आम क्यों ना हो मैं उसको तोड़ सकता हूँ इस जुगाड़ के द्वारा। तो भाई यहाँ पर मैंने एक जुगाड़ बनाया है जो कि आम तोड़ने के लिए, चेरी तोड़ने के लिए, नारंगी तोड़ने के लिए, या फिर कोई सा भी फ्रूट हो वो आराम से तोड़ सकता है। आप नीचे खड़े होकर कितना ही ऊपर क्यों ना पेड़ हो आप इससे आराम से तोड़ सकते हो। और भाई इस जुगाड़ को मैंने बनाया टोटली कबाड़ से। तो इसको कैसे बनाते हैं इस वाली वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। अगर आप किसान भाई हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। चालू करते इस वाली वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो यार भाई, 1 मिलियन अपने हो चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। तो भाई इस जुगाड़ को बनाने के लिए मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ सबसे पहले 2 लीटर की एक बोतल, और यहाँ पर हम लेंगे एक रस्सी जो कि आप देख सकते हो मजबूत है लेकिन पतली है। यहाँ पर ज्यादा मोटी रस्सी आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर अब यहाँ पर एक पाइप हम लेंगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पाइप जो है आप कितना भी लंबा ले सकते हो अपने अनुसार। और यहाँ पर 1/2 इंच का पाइप ले रहा हूँ मैं, आपको कितना बड़ा जुगाड़ बनाना उतना लंबा पाइप ले सकते हो। अब हमें क्या करना होगा, जो बोतल है उस बोतल को लेनी होगी और नीचे की साइड में एक प्लस बना देना है यहाँ पर मार्कर से। तो यहाँ पर जो हम प्लस बनाएंगे उसको हेक्सा ब्लेड के द्वारा कट कर देंगे जिससे हमारा जो जुगाड़ का मेन पार्ट है जो आर्म है वो यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन भाई आर्म बनने से ही सब कुछ नहीं होने वाला, आर्म को ऑन और ऑफ करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा हमें। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कट कर दिया इसको और अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर मैकेनिज्म बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे 4 पार्ट है इन 4 पार्ट के पीछे की साइड में हमें होल करना होगा जैसे मैं मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर होल करने के लिए मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज कर रहा हूँ गाइस। आप ड्रिल मशीन का यूज कर सकते हो या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप तार को गैस पे गर्म करके भी इस पे डायरेक्ट घुसा सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर होल होने के बाद रस्सी लेंगे हम, और रस्सी देख सकते हो आप कि मैं काफ़ी ज़्यादा लंबी लेके आया हूँ क्योंकि आपको अपने साथ लेनी है कितनी आपको लंबी लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4 रस्सियाँ कट करनी होगी और उसकी जो साइज है हमारी बोतल से लंबी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया अभी हाल। तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, 4 रस्सियाँ यहाँ पर कट कर लेंगे सेम साइज की। हमें ज़्यादा बड़ी ज़्यादा छोटी ऐसी नहीं चाहिए, सारी की सारी हमारे सेम साइज होनी चाहिए। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर रस्सियों को कट कर लिया है और यहाँ पर जो होल किया था उस होल के अंदर यहाँ पर 4 रस्सियों को डालेंगे और अंदर की साइड से एक नोट लगा देंगे। नोट में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वाला नोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक गिठान की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई नोट लगा के बैठ जाओ उसके अंदर, वरना घर वाले बहुत ज़्यादा मारेंगे कि भाई क्या कर रहा है ये तू। और उसके नीचे जो हमने यहाँ पर नोट लगाई है उसको हमने गर्म करके एकदम सील कर दिया था कि खुले नहीं अंदर की साइड में। और आप देख सकते हो कि हमने चारों तरफ यहाँ पर जो रस्सियों को लगा दिया इस टाइप से, और यहाँ पर जो रस्सी है बाहर नहीं निकलेगी गाइस क्योंकि यहाँ पर हमने नोट लगा दिए। अब हमें क्या करना होगा, जो रस्सी है उसके ऊपर की साइड में जो होल किया था उसके जस्ट नीचे की साइड में बोतल के यहाँ पर होल करना जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ना गाइस, उसी टाइप से आपको यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर हम सोल्डरिंग आयरन से इसके अंदर होल कर लेंगे 4 होल। तो हम यहाँ पर देख सकते हो कि मैं रस्सी के जस्ट नीचे की साइड में ही होल कर रहा हूँ, आसपास नहीं कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना होगा, जो रस्सी हमने बाहर की साइड में थी उसको वापस अंदर की साइड में घुसाना है और नीचे की साइड से निकालना है इसका जो मुंह है बोतल का वहाँ से। तो इसी टाइप से 4 रस्सियों को हम यहाँ पर बोतल के मुँह के यहाँ से निकाल लेंगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसा हमारा शेप बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इन रस्सी को थोड़ा और लंबा करना होगा। तो यहाँ पर ये 4 रस्सियाँ हैं, इन 4 को एक रस्सी से यहाँ पर हम जोड़ देंगे और काफ़ी लंबा यहाँ पर रस्सी बना देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गिठान नहीं बांधेंगे इसके अंदर क्योंकि हमने गिठान बांधी तो बहुत ज़्यादा मोटी गिठान बनेगी यहाँ पर, और उसमें क्या कि पाइप के अंदर वो फंस जाएगी, वो निकलेगी आगे पीछे नहीं होगी। तो यहाँ पर एक जुगाड़ है हमारे पास सबसे शानदार वाला कि हम यहाँ पर पतली वाली रस्सी लेंगे, धागा लेंगे यहाँ पर, और जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो मतलब रजाई वजाई सिलती ना उस टाइप का धागा लेना है आपको, और इसके ऊपर गोल 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 लपेट देना अच्छे टाइट तरीके से। उसके बाद यहाँ पर सुपर ग्लूज होता है हमारा जैसे फेविकिक होती है, उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए तो भाई इसका जो मजबूती ना इतना ज़्यादा हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये आप खींचोगे तो आप ये दूसरी जगह से टूट जाएगी लेकिन यहाँ से नहीं निकलने वाली, बिल्कुल पत्थर बन जाता है बिल्कुल यार ये। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लेना है और इतना मोटा लेना है कि हमारे जो बोतल का मुंह है उसके अंदर इजीली आ जाएगा ये, और पीछे से जो हमारा पाइप है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सुपर ग्लू से हम इसको चिपका देंगे यहाँ पर, और इसके नीचे की साइड में जो हमारा पाइप है उस पाइप को यहाँ पर इस टाइप से लगाकर सुपर ग्लू से चिपका देंगे। तो फाइनली गाइस हमारा पाइप जो बोतल से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर 2 पाइप और लेंगे हम तो इसका ट्रिगर बनाने के लिए, तो एक पाइप तो पतला वाला और उससे मोटा वाला लेंगे जो इसके ऊपर की साइड में चलता रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो में पूरा नॉलेज मिल जाएगा, आप वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमने पाइप यूज किया था गाइस पहले लंबा वाला, उसके नीचे की साइड में मैं पतला वाला पाइप यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर की साइड में एक और मोटा वाला पाइप यूज कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ गाइस कि ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, जिससे क्या होगा हमारा ट्रिगर का काम हो जाएगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बोतल का ढक्कन लिया है जिसके अंदर मैंने होल कर दिया है, और इस होल से हमने रस्सी निकाल कर इसको पीछे की साइड में लगाकर सुपर ग्लू से चिपका देंगे। अब यहाँ पर इस रस्सी के हमें क्या करना होगा, गिठान बांधनी होगी ताकि अंदर की साइड में वापस ना चली जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से गिठान बांध देंगे, और गिठान एकदम टाइट होनी चाहिए हमें, और यहाँ पर अच्छे से लगाकर इसको सुपर ग्लू से चिपका देंगे ताकि ये वापस गिठान खुले नहीं। क्योंकि गाइस ये जो रस्सी होती है ना, ये मतलब क्या होता है कि मतलब प्लास्टिक की होती है, तो ये क्या बाद में निकल सकती है, तो यहाँ पर सुपर ग्लू से चिपकाने के बाद ये निकलेगी नहीं। अब यहाँ पर इसको हम इस टाइप से कट कर देंगे, और फाइनली गाइस देख सकते हो हमारा जुगाड़ बन के तैयार हो चुका है, और यहाँ पर पीछे की साइड में ये ट्रिगर है इसका। तो गाइस फाइनली हम बाहर की साइड में आ चुके हैं हमारे जुगाड़ को टेस्ट करने के लिए। इसके लिए यहाँ पर कुछ फ्रूट चाहिए हमें जो कि तोड़ सके हम। तो अभी क्या है कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं, ना कोई फ्रूट है ना कुछ भी है यहाँ पर। अभी हाल गर्मी का सीजन है, आम जो है वो लग रहे हैं, लेकिन आम का पेड़ अभी आसपास कहीं भी नहीं, काफी ज्यादा दूर है तो वहां तो नहीं जा सकते। तो हमने एक जुगाड़ लगाया आप सभी के लिए कि आपको मैं तोड़ के दिखाऊं आम। तो भाई ये है एक सूखा सा हमारा खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में, और इसके अंदर हमने लगाया यहाँ पर आम। आप देख सकते हो आम उग रहे हैं हमारे इसके अंदर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो अभी आम को हम यहाँ पर तोड़ने वाले। मान लीजिए कि ये तो अभी मेरे पास क्या है, मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट के लिए दिखाने के लिए कि हमारा जो जुगाड़ काम आ सकता, अब मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, और बैठने के बाद इसको यहाँ पर इस टाइप से तोड़ेंगे। मेरा हाथ तो जा नहीं रहा है, अब मान लीजिए कि वो काफी ज्यादा ऊपर है, ठीक है, अपने हिसाब से बना सकते हो। अब यहाँ पर इसको हम इस टाइप से खोलेंगे, और खोलने के बाद इस आम को यहाँ पर पकड़ लेंगे इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर तोड़ते हैं इसको। तो देख लीजिए भाई हमारा जो आम यहाँ पर टूट गया है, और भी तोड़ के देखेंगे। अब यहाँ पकड़ ले, पकड़। अब दूसरा वाला हम आम तोड़ेंगे भाई, काफी ज्यादा ऊपर आम है यार, पकड़ लिया। तो एक और आम हमारा टूट चुका है, पकड़ इसको भी, पकड़। निकल निकल निकल। तो हमारे दो हो चुके, एक और आम को हम यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। ओ तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर आम को तोड़ लिया है, और आप देख सकते हो लाम दे, खाना मत इसको, काफी महंगे है अभी। तीन खाने का नहीं है। तो फाइनली गाइस देख सकते हो हमने यहाँ पर आम तोड़ लिए। वैसे अभी क्या हमने बस नॉर्मल आपको दिखाने के लिए ऐसे पेड़ पे लगाए थे, लेकिन आप रियल में बड़ा पेड़ होगा ना, वहाँ पर भी तोड़ो काफी अच्छे से काम करेगा ये आपका। और आप इसे नारंगी भी तोड़ सकते हो, आम तोड़ सकते हो, नींबू जी भी आप आराम से तोड़ सकते हो इससे। नींबू का भाव काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने जी लगाया उनके पीछे। आप बताना कमेंट करके आपके यहाँ पर क्या रेट है नींबू का, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार भाइयों। 1 मिलियन तो आपने करा दिया, आप सभी को थैंक यू इसके लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी। हे भगवान, मुझे केरी का पेड़ दिखा दे जहाँ पर मैं इस जुगाड़ को सिद्ध करके दिखा दूँ कि भाई मैंने अच्छा जुगाड़ बनाया है। लगता है भगवान ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो सुन नहीं रहे आवाज मेरी। तो अभी यहाँ पर क्या है कि हमने एक जुगाड़ लगाया है, केड़ी का पेड़ बनाया है। भाई आपने कभी नहीं देखा होगा जो हमने करके दिखाया है, हमने एक सूखे पेड़ के ऊपर केरी लगाई है। आप तो हमारे पास, हम तीन जने हैं यहाँ पर, तीन केरी लगा देते वरना लड़ेंगे फिर। फाइनली गाइस तीन केरी हमारी लग चुकी है पेड़ के ऊपर, और देख सकते है। चल छोड़, जान दो जान दो जान दो, जाने दे, छोड़ दे, ये तो नीचे देगी साली। चलो कोई बात नहीं।